मेडी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग ने परिजनों के साथ आकर संयोगितागंज थाने में FIR दर्ज करवाई है। दरअसल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित कॉफी पीने के लिए गया था और उसका परिचित फैजल पटेल वहां पर आया। किसी बात के कारण दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस वक्त फैजल पटेल मौके से चला गया, लेकिन बाद में फिर वह अपने दोस्तों के साथ आया और चाकू की नोक पर पीड़ित को कार में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर उसने चिल्ला चोट करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख वहां से फैजल पटेल और उसके दोस्त फरार हो गए। फैजल पटेल वही शख्स है जिसका लॉकडाउन के दौरान इंदौर के मैरियट होटल में नोट उड़ाने और इंडियन करेंसी के अपमान का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फैजल पटेल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए आज इसमें श्रीवास जैन है, एक बालक हैं, वो गए थे कॉफ़ी पीने के लिए और वहाँ पे कॉफ़ी पी के वो निकल ही रहे थे कि उनकी एक आपसी रंजिश थी फैजल पटेल से, और इसी बात को लेकर के उनमें विवाद होने लगा कि तू बहुत तेज़ चल रहा है और मतलब तुझे मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन बात विवाद ज़्यादा ना हो तो ये आगे बढ़ गए, वहाँ से आगे चले गए और इसके बीच में वो पीछे गाड़ी लेकर के आया और उनको चाकू अड़ा करके और उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में अंदर बैठाने की कोशिश करी, उसका किडनैप करने का प्रयास किया उसने। तो इसी को लेकर के उन्होंने आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर से कायमी हुई है फैजल पटेल और दो अन्य लोगों के खिलाफ में, और पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जल्दी जल्दी राउंड अप कर लिया जाए। कोई डेली कॉलेज में पढ़ता है? हाँ, बच्चा पढ़ता है अभी उसमें है। सर, जो अपहरण की कहानी बनाई है उन्हें किन कारणों के चक्कर में बनाई? क्या देखिए, इनका एक तो ये है कि कहानी नहीं बनाई। कहानी क्यों कह रहे हैं इसको? कहानी नहीं है, उन्होंने आवेदन दिया तो पुलिस अपना जांच करेगी, उनके लिए तो सही है। तो इसमें ये था कि इनकी आपसी रंजिश थी फैजल पटेल की और इसकी श्रीवास जैन की। बताया ना कि कई बार बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का आपस में झगड़ा भी रहता है, टसल भी रहती है, और ये थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का है फैजल पटेल का। ये अब इसका फैजल पटेल का भी एज वगैरह तो नहीं इसका कंफर्म हो पाया है, अब ये इसमें आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा उससे। 9 बज गई भैया, क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गई। नौ बज रही है।